सो दिस इज MSI GF63 Thin। इस लैपटॉप को मैं पिछले कम से कम एक महीने से यूज कर रहा हूँ। ओके, ये गेमिंग लैपटॉप है एंड मैंने इस पे सब कुछ किया। हैवी सॉफ्टवेयर को यूज करके देख लिया, हर तरह की गेमिंग कर ली, वीडियो एडिटिंग, फोटोशॉप एंड ऑल। तो इस वीडियो में एक पूरा कंप्लीट रिव्यू मिलेगा आप सभी को हर एक चीज का। बट फर्स्ट लेट्स अनबॉक्स। देखो, सबसे पहले तो आपको एक ब्राउन बॉक्स मिलेगा, उसके अंदर एक और बॉक्स है ब्लैक कलर का, डब्बे के अंदर डब्बा एंड डब्बे के अंदर अपना लैपटॉप। बाकी बॉक्स कंटेंट में एक पावर कोड, एक चार्जिंग अडैप्टर 120 वॉट्स का एंड बाकी कुछ पुस्तकें, और उसके अलावा एक हार्ड डिस्क वाला माउंट मिलेगा। एंड दीज आर द स्पेसिफिकेशंस ऑफ दिस लैपटॉप। i5 वाला वेरिएंट है ये, इंटेल कोर i5 10th जनरेशन 10500H प्रोसेसर है। प्रोसेसर में 6 कोर्स एंड 12 थ्रेड्स हैं और 12 MB L3 दी कैशे मेमोरी। प्रोसेसर की जो बेस क्लॉक स्पीड है दैट इज 2.5 GHz एंड मैक्सिमम क्लॉक स्पीड है 4.5 GHz। देखो, लैपटॉप में सैमसंग की 8 GB DDR4 रैम है, 2933 MHz की एंड 512 GB की M.2 NVMe SSD है। 4 GB का डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड है इसमें, NVIDIA GeForce RTX 3050 GDDR6। आपकी सारी गेमिंग और एडिटिंग वगैरह इजीली हैंडल कर लेता है ये। लेकिन परफॉर्मेंस की बात डिटेल में आगे करेंगे। लैपटॉप में एक बड़ी 144Hz वाली 15.6 इंचेस की IPS लेवल डिस्प्ले मिलती है। सिंगल कलर रेड बैकलिट कीबोर्ड है, बट 15.6 इंचेस की डिस्प्ले के साथ इसमें नम पैड नहीं आता। बट इसके जो कीबोर्ड के बटन है ना, वो काफी बड़े हैं, जिससे इस पे काम करने का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा वो काफी बढ़िया रहा। अब इसके डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी को देखते हैं। यार, इस पे ना एक प्रिंटेड डिजाइन है लाइंस का, थोड़ा ध्यान से देखो। प्रिंटेड लाइंस का टेक्सचर बना हुआ है, जिससे ना दिखने में काफी यूनिक सा लगता है। एंड पर्सनली मुझे इसका डिजाइन काफी सही लगा, स्पेशली इसका पावर बटन। लैपटॉप में ऊपर की तरफ MSI का लोगो है, रेड ड्रैगन, एंड बैक साइड पे भी ना वेंटिलेशन का पूरा ध्यान रख के काफी बढ़िया डिजाइन दिया गया है। एंड जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है वो सच्ची में काफी सही है। एक तो लैपटॉप की जो बॉडी है वो मेटल की है, जिसके दो बड़े फायदे हैं। एक तो ओवरऑल लैपटॉप की ड्यूरेबिलिटी काफी बढ़ जाती है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है लैपटॉप। एंड सेकंड, फ्लेक्स। टॉप लिड फ्लेक्स तो बहुत ही कम है इसका, एंड बिल्कुल सेम कीबोर्ड के केस में भी फ्लेक्स बहुत ही कम है, सो नो वरीज। एंड दीज आर दी डायमेंशंस ऑफ दिस लैपटॉप। देखो, मेटेलिक बॉडी के बाद भी इसका जो वेट है ना, दैट इज अराउंड 1850 grams। आई मीन सीरियसली, इतने हल्के तो आपको प्रोफेशनल लैपटॉप्स मिलते हैं। एंड जो गेमिंग लैपटॉप्स का वजन होता है ना, वो इजीली 2.5 किलो तक चले जाता है। देखो, ऑल इन ऑल लाइट वेट है, कैरी करने में एकदम ईजी रहेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब डिस्प्ले है जो, देखो लैपटॉप में एक फुल साइज डिस्प्ले है 15.6 इंचेस वाली और 144Hz रिफ्रेश रेट है इसका। एंड ये एक फुल HD 1080p IPS लेवल डिस्प्ले है और 45% NTSC, मतलब ये सीधी सी बात है यार, प्योरली गेमिंग डिस्प्ले है 144Hz रिफ्रेश रेट वाली। एंड इसके कलर्स वगैरह सब कुछ एकदम बढ़िया है। लैपटॉप की स्क्रीन में आपको सब कुछ देखने का एक्सपीरियंस एकदम कमाल का मिलेगा। और लैपटॉप में एक HD 720p कैमरा है 30 FPS वाला, मतलब आपकी वीडियो कॉल्स एंड मीटिंग्स वगैरह हो जाएंगी। लेकिन जो कैमरा क्वालिटी है ना, उतनी बड़ी एक्सपेक्ट मत करना कि लाइक बहुत ही क्लियर कैमरा मिलेगा आपको, नहीं, बल्कि एक एवरेज सा कैमरा है, जैसा कि मोस्ट ऑफ दी लैपटॉप्स में होता है। अभी देखो, एक चीज़ है कि लैपटॉप में ऐसा शटर नहीं दिया गया कैमरा को बंद करने के लिए, लेकिन इसके कीबोर्ड में F6 बटन के थ्रू आप लैपटॉप के कैमरा को ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। एंड उसी के साथ में MSI ड्रैगन सेंटर में भी कैमरा को बंद करने के लिए ऑप्शन दिया गया है। एंड ड्रैगन सेंटर में कुछ एडिशनल चीजें भी दी गई हैं, लाइक लैपटॉप का गेमिंग मोड ऑन एंड ऑफ हो जाएगा, डिफरेंट यूजर सिनेरियो है, लाइक अपने काम के अकॉर्डिंग आप इनमें प्रोफाइल्स को स्विच कर लो, एक्सट्रीम परफॉर्मेंस फॉर हैवी टास्क, सुपर बैटरी लाइक मूवीज वगैरह देख रहे हो तो पावर सेविंग हो जाएगा, बैलेंस मोड में सर्फिंग वगैरह हो गया। जैसे कैमरा ऑन एंड ऑफ का ऑप्शन है ना, बिल्कुल वैसे ही सेम विंडोज की एंड फंक्शन की, इन दोनों को ऑन एंड ऑफ करने का भी ऑप्शन आपको ड्रैगन सेंटर में मिल जाएगा। और लैपटॉप की जो रिसोर्स यूटिलाइजेशन है वो भी यहीं से चेक हो जाती है, CPU GPU यूटिलाइजेशन और डिस्क मेमोरी एंड ऑल, और मेमोरी को यहीं से भी फ्री भी कर सकते हो। और देखो, जो विंडोज 10 है वो तो आपको प्री इंस्टॉल मिल जाएगी लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ, लेकिन जो विंडोज 11 है उसकी अपडेट आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी लैपटॉप में व्हेन इट इज अवेलेबल। नेक्स्ट इज कीबोर्ड। तो लैपटॉप में एक रेड बैकलिट कीबोर्ड है एंड इसकी जो कीज है ना, वो भी काफी सॉफ्ट है, डिस्टेंस बढ़िया है। एक और चीज है, देखो इसमें नम पैड मिसिंग है, लेकिन जो लैपटॉप की डिस्प्ले है वो बड़ी है। जितनी भी नम पैड की स्पेस थी ना, उसे भी कीबोर्ड में यूज कर लिया, जिससे एक तो इसके कीज बड़े हो गए एंड दूसरा दोनों साइड थोड़ी एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाती है, तो ये भी सही चीज है। माउस पैड भी यूज करने में बिल्कुल ठीक है, एक नॉर्मल साइज का ट्रैक पैड है, स्मूथली चलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें।
टॉकिंग अबाउट दी पोर्ट्स, तो लैपटॉप की बैक साइड में HDMI पोर्ट है एंड उसी के साथ में एग्जॉस्ट वेंट है, और राइट साइड में हेडफोन एंड माइक के गोल्डन जैक्स हैं, उसी के साथ में 2 USB Type-A 3.1 पोर्ट्स, Type-C USB 3.2 पोर्ट, अपना ईथरनेट हो गया RJ45 एंड कैनसिंगटन लॉक, और लेफ्ट साइड में USB 3.1 की एक पोर्ट है, वही सेम टाइप ए, साथ में चार्जिंग वाला पोर्ट है, और यहाँ पे भी एयर एग्जॉस्ट वेंट है। और जो इसकी वायरलेस कनेक्टिविटी है वो भी एकदम लेटेस्ट एंड टॉप नॉच है, एक तो वाईफाई 6 दिया गया है एंड साथ में ब्लूटूथ 5.2, एंड दोनों ही चीज़ें एकदम बढ़िया से ऑपरेट होती हैं इसकी। एंड देखो लैपटॉप में ना 2 वॉट्स के 2 स्पीकर्स हैं डाउन फायरिंग, एंड सच्ची बता रहा हूँ इसकी जो आवाज़ है ना, मतलब उसने तो दिल जीत लिया, एकदम प्रीमियम साउंड क्वालिटी है इसके स्पीकर्स की। अब इसकी रैम एंड स्टोरेज को ना थोड़ा ध्यान से समझना, इसमें पहले से ही सैमसंग की 8GB DDR4 रैम है 2933 MHz की, लेकिन ये 3200 MHz की रैम को भी सपोर्ट करता है। अब सबसे पहले तो इसमें रैम के आपको 2 स्लॉट्स मिलते हैं टोटल, जिसमें से एक खाली है, एंड इस लैपटॉप को डुअल चैनल पे 64GB तक आप अपग्रेड कर सकते हो, जो कि बिल्कुल ही ऑसम चीज़ है। एंड इसकी जो स्टोरेज है उसका ऐसा सीन है कि लैपटॉप में 512GB की M.2 NVMe SSD पहले से ही मिलती है, लेकिन इसकी स्टोरेज भी एक्सपेंडेबल है, लाइक HDD और SSD दोनों को आप एक्सपेंड कर सकते हो। अब इसके थोड़े नंबर देख लेते हैं, मैंने इस पे टोटल 3 टेस्ट किए, सिनेबेंच R23 को देख लो, CPU मल्टी कोर रिजल्ट है 6749 पॉइंट्स, सिंगल कोर पॉइंट्स है 1158, Geekbench मल्टी कोर स्कोर्स हैं 5057 एंड सिंगल कोर स्कोर है 1171, ठीक है। और तीसरा 3D मार्क टाइम स्पाई स्कोर्स, तो टोटल स्कोर है 4328, GPU स्कोर है 4162 एंड CPU स्कोर है 5594। अब देखो यार, आप में से जिन्हें बेंच मार्क्स के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता, तो सिंपली बताता हूँ कि i5 10th generation 6 कोर 12 थ्रेड वाले प्रोसेसर के हिसाब से एकदम बढ़िया परफॉर्मेंस है इस लैपटॉप की। स्कोर्स वगैरह बहुत चेक कर लिए, अभी बात करते हैं इसकी यूजेज की। तो देखो, जितने भी स्कूल या फिर कॉलेज स्टूडेंट्स को एक ऐसा लैपटॉप लेना है जिसमें आप सब कुछ कर सको एकदम बिना किसी दिक्कत के, तो आप इसे ज़रूर कंसीडर कर सकते हो। आपकी क्लासेस, ऑनलाइन सर्फिंग, मीटिंग्स, प्रोजेक्ट्स वगैरह हो गए, ये सभी तो इस पर एकदम ईजिली होता है। उसके अलावा आपकी कोडिंग एकदम बढ़िया से होती है विदाउट एनी इशूज़, लाइक एंड्रॉयड स्टूडियो, VMware हो गया, C++, जावा, पाइथन, ये सब तो एकदम मक्खन चलता है इस लैपटॉप पे। उसके बाद देखो वीडियो एडिटिंग जो है, जब मैंने इस पे 1080p फुल HD में एडिटिंग की तो उस चीज़ में मेरे को 1% की भी कोई दिक्कत नहीं आई, उस सिनेरियो में एकदम स्मूथ परफॉर्मेंस देता है लैपटॉप। मतलब कि 4K में मल्टी लेयर एडिटिंग जब आप करते हो तो उस टाइम थोड़ा बहुत लैग मिलेगा आपको, मैं मेनली 4K एडिटिंग करता हूँ तो उस चीज़ में मुझे थोड़ा बहुत लैग दिखा। एंड चैनल पे जो पिछली कुछ वीडियोज है ना, जितनी भी Amazon सेल पे आई थी, समझ लो कि वो सभी वीडियोज की रेंडरिंग हो गई, उसके थंबनेल्स हो गए, या फिर जो वीडियो का बैकग्राउंड होता है ना जिसे आफ्टर इफेक्ट्स में तैयार करते हैं, वो सभी मैंने इसी लैपटॉप पे बनाए थे। तो रिजल्ट आप देख सकते हो, उन वीडियोज एंड थंबनेल्स को चेक कर लेना, सभी के लिंक मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। देखो नॉर्मली Adobe के जितने भी टूल्स हो गए वो सभी एकदम स्मूथ चलते हैं, बाकी सभी Filmora, Camtasia एंड ऑल, आपको परफॉर्मेंस वाइज कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो आप में से सभी कंटेंट क्रिएटर्स हो गए या फिर जिन्हें एडिटिंग और ग्राफिक्स का काम करना है, तो भाई आप भी इसे कंसिडर कर सकते हो, लैपटॉप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसका बैटरी टेस्ट किया मैंने, बैटरी सेवर ऑन करके, ब्राइटनेस भी मीडियम लेवल पे सेट करके ना इसको बिल्कुल नॉर्मल यूज किया, लाइक नेटफ्लिक्स वगैरह और यूट्यूब एंड बाकी थोड़ी बहुत ऑनलाइन सर्फिंग, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन एंड ऑल, मतलब जितने भी नॉर्मल टास्क होते हैं। तो लैपटॉप ने मुझे इजीली 4.5 घंटे तक का बैटरी बैकअप दिया, एंड इस चीज से मैं काफी इंप्रेस हूँ कि यार बहुत सही चल गया लैपटॉप। एंड गेमिंग करते हुए ना, लाइक हाई सेटिंग्स पे जब मैं गेम खेल रहा था तो उस सिनेरियो में मुझे 2.25 घंटे का बैटरी बैकअप मिल गया था। बाकी ये जो चीज़ है ना बैटरी वाली, वो यूजेज टू यूजेज डिफर करती है, इससे ज़्यादा बैटरी बैकअप भी आपको इस लैपटॉप में मिल सकता है। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि एक हाई परफॉर्मेंस वाले लैपटॉप जितना बैटरी बैकअप है इसका, विच इज़ वेरी इंप्रेसिव। तो सब कुछ देख लिया, अब गेमिंग की बात करते हैं। देखो सबसे पहले तो मैंने इस पे वैलोरेंट खेली, सारी परफॉर्मेंस के रिजल्ट्स आपके सामने हैं। वैलोरेंट का कुछ ऐसा सीन है कि इसमें मुझे डिफरेंट FPS मिल रहे थे, बिकॉज इसके जो गेम प्ले मोड्स है ना, लाइक अनरेटेड एंड रेप्लिकेशन वगैरह, एक तो उनमें भी अलग FPS मिल रहे थे, एंड दूसरा हर एक मैच में भी, किसी गेम में 120 FPS भी मिल रहे थे, रिजल्ट आपके सामने है, एंड किसी में 60 तक, लेकिन जितने भी गेम प्ले हैं वो एकदम स्मूथ है, उसमें 1% की भी कोई दिक्कत नहीं है। मोर ओवर जो वैलोरेंट है वो एक CPU इंटेंसिव गेम है, तो 6 कोर वाले प्रोसेसर के अकॉर्डिंग गेम की जो परफॉर्मेंस है वो एकदम टॉप नॉच है। इसके बाद मैंने फिर जब GTA 5 खेली तो उसका कुछ ऐसा रिजल्ट था कि उसमें ना मुझे कॉन्स्टेंट FPS मिल रहे थे 60। इतनी देर तक मैंने GTA 5 खेली लेकिन मुझे बिल्कुल भी लैग नहीं मिला, 1% भी नहीं, लेकिन जो FPS है वो अप टू 60 FPS आ रही थी परफॉर्मेंस। भाई सच्ची में कहना पड़ेगा कि लैपटॉप की रिसोर्स यूटिलाइजेशन एकदम बढ़िया
से ऑप्टिमाइज कर रखी है, बिकॉज जो सीपीयू एंड जीपीयू है वो बिल्कुल ही अंडर लोड थे, लाइक 80% से ज्यादा यूटिलाइजेशन ही जा रही थी एंड टेम्परेचर भी ज्यादा नहीं था। देखो ओवरऑल जो मेरा गेमिंग एक्सपीरियंस रहा वो एकदम तगड़ा था। देखो इस लैपटॉप के बारे में आपको सब कुछ एकदम कंप्लीट डिटेल में पता है, फाइनल वर्डिक्ट की बात करूं कि आपको ये लैपटॉप बाय करना चाहिए या फिर नहीं, तो भाई आप इसे बिंदास बाय कर लो। लैपटॉप पूरी तरह से फ्यूचर प्रूफ है, लाइक रैम एंड स्टोरेज एक्सपेंडेबल है इसकी, एंड ये लैपटॉप सब कुछ हैंडल कर लेता है, चाहे फिर कोडिंग हो, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक्स वर्क और गेमिंग तो है ही। एंड MSI GF63 सीरीज के जितने भी मॉडल्स मार्केट में अवेलेबल है ना, उन सभी के जो बेस्ट बाइंग लिंक्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, तो उन्हें आप जरूर से चेक कर लेना। अब देखो वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाना, वीडियो को लाइक करो यार, कमेंट करो एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज उसे आप कमेंट कर दो या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।